वो सारी की सारी निशानियां जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताई थी वो पूरी हो रही हैं। उन निशानियों में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, यहूदी कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इनको वतन मिलेगा और वतन उस जगह पर मिलेगा, जमीन का वो टुकड़ा जहां पे आज इसराइल है। आका करीम ने तीनों निशानियां बताई। हुजूर ने फरमाया वो जगह ऐसी होगी कि एक मर्तबा जो खजूर का दरख्त लगाएगा वो एक मर्तबा फल देगा, दूसरी मर्तबा खजूर का दरख्त फल नहीं देगा। जिस जगह पर यहूदी आबाद हो जाएंगे, जिस जगह पर यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, जिस जगह पर यहूदियों को घर मिलेगा, जिस जगह पर यहूदियों का वतन होगा, मुल्क होगा, वो जगह ऐसी होगी कि वहां के समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा। और तीसरी निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि यहूदियों का जो वतन होगा, जो यहूदियों का मुल्क होगा, जो यहूदियों की रियासत होगी, हुकूमत होगी, दो निशानियां ये हैं। तीसरी निशानी ये है, उस मुल्क के अंदर एक कुआं होगा, उस कुएं में जितना पानी डाला जाए वो कभी भी कुआं भरेगा नहीं, खाली का खाली रहेगा। और अगर कोई डोल अपना डालकर, कोई बर्तन डालकर उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो कुएं के अंदर से खाली डोल बाहर आएगा, पानी नहीं आएगा। तो पूरी दुनिया सोचेगी। और ये तीनों निशानियां जो आका करीम ने बयान की कि खजूर एक मर्तबा फल देगी, दोबारा नहीं देगी, समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, एक कुआं होगा, जितना पानी डालोगे वो कुआं कभी भी भरेगा नहीं, खाली का खाली रहेगा, ये तीनों निशानियां इसराइल के अंदर पूरी हो चुकी हैं। इसराइल में समंदर भी है, उसका जो साहिल उर्दन के साथ लगता है, इसराइल का एरिया उर्दन मुल्क के साथ जो उसका एरिया है, वहां पे जो समंदर का पूरा वो खुश्क हो चुका है। और इसराइल के अंदर यहूदियों ने ये तजर्बा करके देखा कि वो जो भी खजूर का दरख्त लगाते हैं, खजूर एक ही मर्तबा फल देती है, दूसरी मर्तबा खजूर का दरख्त फल नहीं देता। और कुआं मौजूद है सरकारी सतह पर, मुल्क इसराइल के यहूदियों ने उस कुएं में पानी डाला, दिन रात पानी डाला, महीनों के महीनों, सालों के सालों उस कुएं में पानी डाला, और जब बर्तन डाल के बाहर निकालने की कोशिश की तो एक कतरा भी बाहर नहीं आया। वो हुजूर का फरमान जो सदियों पहले आका करीम ने बयान किया था और यहूदियों के मुल्क की निशानी बयान की थी कि यहूदी ऐसा होंगे, ऐसे होंगे, वतन उनका ऐसा होगा, आज वो सारी की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं।